कन्नौज ब्रेकिंग, दबंगों के हौसले बुलंद, 3 दिन के अंदर पत्रकार पर किया दोबारा जानलेवा हमला। हमले में एक निजी टीवी चैनल के पत्रकार राहुल शाख्य घायल। 3 दिन पहले भी दबंगों ने किया था हमला, तब भी की गई थी पुलिस से शिकायत, नहीं हुई उन पर सख्त कार्रवाई। कोतवाली पहुंच पत्रकार ने दोबारा दबंगों के खिलाफ दी तहरीर। पीड़ित पत्रकार का कहना है, पहले हमले के बाद पुलिस से शिकायत करने को लेकर दबंग बराबर दे रहे थे जान से मारने की धमकी, पुलिस ने कार्रवाई में बढ़ती शिथिलता। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के छिपट्टी मोहल्ले के मामला। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है। क्या मामला हुआ? कुछ नहीं, हमारे 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई थी हमारे गांव में, घर में मारा था, उसमें हमने मुकदमा किया तो वो आए थे, हमें धमकी दे रहे थे कि तुझे मार देंगे जान से। आज हम श्री संत गेस्ट हाउस में एक हमारे मित्र की बहन की शादी थी, वहाँ से विवाह लिखवा के हम अपने घर जा रहे थे। हम गंगा देवी मंदिर तक पहुँचे तो कुछ लोग आए मेरे साथ मारने पीटने लगे। मेरे पास मेरे पर्स और ये मेरा मोबाइल था। आज ही हमने जब पहले मारपीट की थी तो क्या आपने कार्रवाई की थी? मैंने मुकदमा लिखवाया तब पुलिस ने हमारी तारीख बदलवा दी थी। उन्होंने कहा था हम कार्रवाई करें, हमारे बहुत अच्छे इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा हम कार्रवाई करें, आश्वासन दिया। हमने बताया हमें रोज मारने की धमकी देते, मोबाइल वोबाइल सब टूटा हुआ है मेरा। फिर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस हमने फोन करो तो 100 नंबर पर पुलिस आई है, हमें थाने ले आई है। जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट की उनके क्या नाम है? मैं से एक शिव कुमार गुप्ता था, उसका पुत्र ललित कुमार गुप्ता था, उसका एक भतीजा था गोविंद गुप्ता, उससे जिससे मेरी पहले लड़ाई हुई थी। ये कहाँ के रहने वाले? ये मेरे मोहल्ला छुपट्टी के रहने वाले हैं। और आज भी उसमें से एक ललित गुप्ता था जिसने मैंने जिसको पहचाना, इसमें मेरे पति थी वो बनी थी एक्सरे वाली, वो भी देखी नहीं है। R9 भारत के लिए कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की रिपोर्ट।